हैषमे प्राण हरो हरिर्गुहां ध्रुवम श्रितं यन्न पुरेयमी दृशी। अरे मेरे प्राणों का हरण करने वाला हरि अब की बार देव की गर्भ में आया है, लाओ इसको मार दो। तलवार लेकर सगर्भा देवकी को मारने चला तो उस समय आज भगवान का जो प्रकाश देवकी के मुख पर है वह कंस से टकरा करके कंस की अंतरात्मा में ध्वनि उत्पन्न करता है। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी की गिरा आज कंस को भ्रमित करती है, रोकती है कंस को और आभास कराती है। स्त्रियः स्वसुः गुरुमत्या बधोयम् यशश्रियम् हन्त्यम् कालमायुः। कंस जिसे तुम मारने जा रहे हो नारी है, तुम्हारी बहन है, गर्भवती है, ये तुम मारोगे तुम्हारी आयु कीर्ति सब नष्ट हो जाएगा। इमि कुपंथ पग देत खगेशा रहन तेज बुद्धि बल लबलेशा। कुमार पर कोई पांव देता है उसका बुद्धि बल ईश्वर ज्ञान तेज ओज बल सब नष्ट हो जाता है। तो कंस ने तलवार फेंक दी लौट गया। आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन मही चिंतया नो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। अब तो उठते बैठते सोते जागते चलते सर्वत्र देव की नंदन भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए पूरे विश्व को कृष्ण में देखने लगा। और प्यारे भक्तों इधर भादों के भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की संध्या वेला आ गई, यही सुंदर समय संध्या वेला। और ऐसी संध्या वेला में 33 कोटि देवता देवी और शंकर भगवान देवर्षि नारद सनत कुमार ये सब भगवान के गर्भ की स्तुति करने आए हैं। आज देवता गर्भ की स्तुति करने आए हैं। गर्भ भी प्रसन्न है कि आज हमें तो लोग बड़ा खराब बताते थे कि गर्भ में ना आना पड़े, आज गर्भ भी बड़ा प्रसन्न है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2वें अध्याय का 26वां श्लोक है। 26वें श्लोक से प्रारंभ होता है ये पावन गर्भ स्तुति का प्रकरण। बड़ी सुंदर वंदना की है देवताओं ने और इसकी फलश्रुति है जो सुनता है गर्भगतो न भूया वह पुनः गर्भ में नहीं आता। आप सुनिए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नीतम च सत्य सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे नारायण आपका व्रत सत्य है, आप परम सत्य हैं, त्रिसत्य भूतकाल वर्तमान भविष्य त्रिकाल सत्य है, सत्य की योनि आदि बीज है सत्य में स्थित है, सत्य के भी सत्य है। हे सत्यात्मक भगवान नारायण तुम्हें प्रणाम। एकायनो सव द्विफल त्रिमूल चतुरसा पंचविदा खडात्मा सप्तत्वगस्त विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो यादि वृक्ष। ये संसारिक सनातन वृक्ष है और इस शरीर रूपी सनातन वृक्ष में दो फल लगे हैं। प्रत्येक शरीर में दो फल लगे हैं, सुख के और दुख के। तीन इसमें जड़े हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। चार रस हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष चार रस हैं। पंच विधा पांच विधाएं हैं। वो पंच विधा हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द और छह इसके स्वभाव हैं, जन्म लेना बढ़ना पूर्ण होना परिवर्तित होना और नष्ट हो जाना। सप्त धातुओं से बना है ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र सप्त धातुओं से बना है। अष्टधा इसकी प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति अष्टधा है। छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि अहंकार और नौ इसमें द्वार है कोटर। दो नेत्र विवर दो कर्ण विवर दो नासा विवर मुख उपस्थ मल विसर्जन के दोनों अंग ये नौ द्वार हैं इस शरीर वृक्ष में। और 10 पत्ते हैं ये वायु ही पत्ते प्राण वायु व्यान उदान समान अपान नांग करकल धनंजय देव दत्त कूर्म।
और दो पक्षी बैठे हैं दुखगो, ये दो पक्षी हैं ईश्वर और जीव। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ये दोनों सखा हैं, वेद कहता सखा हैं ईश्वर और जीव। ईश्वर का ही अंश तो जीव है, मुंबई वांसो जीव लोग के जीव भूता सनातन, उन्हीं का अंश है भीतर बैठा हुआ, और वो भी ईश्वर भी भीतर बैठे हैं, दोनों बैठे हैं भीतर। एक फल खा रहा है, एक देख रहे हैं। खा कौन रहा है? जीव। और देख कौन रहा है? परमात्मा। भोक्ता भोग्यम प्रवितारम च मत्वा, भोक्ता है जीव और भोग्य है जगत और प्रेरक है जगदीश। जीव जगत जगदीश, तो भीतर जीव भी है जगदीश भी है, दोनों बैठे। जगदीश जीव कहता पाप करें, जगदीश कहते नहीं, लेकिन जगदीश की मानता कहां? जगदीश जीव पाप की ओर बढ़ता है तो जगदीश भीतर रोकते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन वो जगदीश की मानता नहीं, वो भोग भोगों में मर पड़ जाता है, सुख दुख के फल खा रहा, और भगवान दृष्टा है, है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो साक्षी सर्व साक्षी भूता। महाराज देवता स्तुति करते हैं, बड़ी सुंदर वंदना कहते हैं, भगवान आप भक्तों पर कृपा करते हैं, जब भक्त संकटापन्न होते हैं तो आप रक्षा करते हैं, भगवान आप ही जगत के आधार हैं, त्वमेक एवास सतम प्रसूति त्वम सन्निधानम त्वम अनुग्रहश्च, आप ही जगत के सन्निधान हैं, आप ही अनुग्रह करता हैं, आप ही आधार हैं, हे भगवान। मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वाराहंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः, त्वं पाशिनः त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भो हरे दुत्तम वंदनं ते। मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वाराहंस, अनेक अवतार लेकर आप भूमि भार उतारते रहे हैं, इस समय यदुवंश में अवतार लेकर आप भूमि भार धारण करें। वंदना करके देवता सुधाम गए, ये स्तुति आपने सुनी, ये स्तुति इसका फल आपको क्या मिलेगा? गर्भगतो न भूया, पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, आप वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन हमको भी फल मिलेगा, हम वर्णन कर रहे हैं बाणी से, गीर्वाण भारती माँ सरस्वती की कृपा से व्यास की वाणी के रूप में वाणी निकल रही है, हमें भी फल मिलेगा, तो हमें भी वैकुंठ मिलेगा, तो हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम कहेंगे भगवान हमें फिर काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में आप विद्यार्थी बनाइए, कान्यकुब्ज ब्राह्मण बन करके फिर हम विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ेंगे, और फिर साहित्याचार्य पुराणाचार्य फिर बनेंगे, और फिर आकर पशुपत नगर वासियों को भागवत सुनाएंगे, क्योंकि ये भागवत यही मिलेगी, ये वैकुंठ में नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए भक्त कहते हैं हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, हम तो यही बार बार आएंगे और भागवत सुनेंगे। वैकुंठवासी भी यहाँ आकर के जन्म लेते हैं, देवता भी यहाँ जन्म लेते हैं कि मैं भागवत सुनने को मिले। गायन्ति देवाकिल गीत कानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषाश्रत्वात् अहो भुवम अहो भुवा सप्त समुद्र बत्या द्वीपेषु वर्षेषु मध्य पुण्य में तत् गायन्ति यत्रत्व जना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतार बन्ति। यहाँ देवता लोग सिद्ध लोग अवतार लेते हैं क्योंकि गायन्ति यत्रत्व जना मुरारे, यहाँ मुरारी की कथा होती है, तो देवता देवलोक से सुनने आते हैं, अब आप अपने घर से ना निकलो, ये तो बड़ी विडंबना है, है तो ये सबको बहुत सब काम छोड़ के सुनना, सब ड्यूटी सब प्रैक्टिकल सब छोड़ के सब व्यवस्थाएं छोड़ के सुनना है, कथा कथा के समान और क्या प्यारा है, विश्व में अगर सबसे प्यारी है तो भगवान की। अब बताओ हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते कथा सुनाने के मारे, और आप सुनना नहीं चाहते, सुनिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे इस प्रकार की फलश्रुति सबको मिलेगी, जो लेना चाहे लें और जो कथा सुनना चाहे वो सुनते रहे। तो प्यारे अब तो बड़ा सुंदर देवता अपने अपने धाम गए, अब बहुत सुंदर समय आ गया। अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना हिर्रे वाजन जन वृक्ष सांत्रिक्ष गृहिता रज
बहुत सुंदर समय अर्धरात्रि की सुंदर बेला है और रोहिणी नक्षत्र आ गया। दिशाएं प्रसन्न, आकाश निर्मल शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। अर्धरात्रि में कमल खिल गए और प्राची की प्राचीर प्रभा पर ईशान कोण में वो सुंदर सुधाकर चंद्रमा प्रकट हो गए। और ऋषि से तमुद्भूते जाय माने जनार्दन, जनार्दन पियो सा जनार्दन, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जनार्दन जना जनार्दन जनान भक्तान आर्दयति हर्षयति योषः जनार्दन, जो भक्तों को आनंद देते हैं वो, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। आज जनार्दन आ रहे हैं और उस समय माता देवकी और वसुदेव दोनों को अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। कोटि कंदर्प दर्प दलनशील कोटि मार्तन को विलज्जित कर देने वाला प्रभाव पिंजरित प्रकाश में पावन कलेवर मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर, ये भास्कर ही गगन मंडल से उतर रहे हैं। ये कलिंद नंदनी कालिंदी भानुजा मुरारी काय काली माँ ललाम वारी धारणी यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह कम्भ कंठ चारु कपोल सुंडाकार भुदंड विशाल पीन वक्षस्थल और भृगुलता शोभायमान कौस्तुभ मणि और बहुत केयूर बंधनों से समलंकृत, ऐसे भगवान आनंद कंद का देखो बड़ा सुंदर श्लोक है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गलशौभि कौस्तुभम पीतांबरम शांद्रपयोदशौभगम। वर्षाकालीन मेघ जैसे श्यामवर्ण और चतुर्भुज भगवान शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित पीतांबरधारी भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। बोले आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकिन ज्यादा शोर नहीं मचाओ, ज्यादा उत्सव नहीं मनाओ, नहीं तो वो जग जाएगा सो रहा है कौन मामा कंस। ये उत्सव तो वहां मनाया जाएगा, कहां गोकुल में, ये मथुरा की जेल खाने में उत्सव व्यवस्था नहीं, शोर मचाओगे जग उड़ जाएगा। उस समय देवकी वसुदेव ने वंदना की, भगवान ने कहा तुम्हें वो पूर्व स्वर्ग में स्वर्गे भू प्रश्नि स्वयं भूय सती तदायम सुतवानाम प्रजापति कलमशाह। आप पूर्व जन्म में प्रश्न नाम की देवी थी, पिता सुतवा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों जनों ने हमारे लिए 12,000 दिव्य वर्ष तपस्या की थी और जब हमने कहा था वरदान तो मां दृशो वाम वरदाश्रुता, मेरे जैसा पुत्र मांगा था, 3 बार पुत्र बना हूं, प्रश्न गर्भ बामन और अबकी बार कृष्ण, ऐसा बता करके बभू प्राकृत शिशु बालक हो गए भगवान। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। और प्रेरणा कर दी वसुदेव को, गोकुल पहुंचाओ पिता हमको नंदराय यशोदा के घर में, अब तरी वहां माया मेरी ले आओ उसे कारागृह में। बंधन है जहां भगवान है वहां बंधन कहां, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। सुख में कन्हैया को लिटाया और जब चले ततः शौरिर भगवत प्रचोदिता सुतम समादाय ससुतिका गृहात यदा बहिर्गन्तुमिहेषि तद्धि जा या योग माया जनि नंद जायया। अब तो फाटक अपने आप खुल गए, हथकड़ी बड़ियां खुल गई, फाटक खुल गए, कन्हैया को लेकर महाराज चले, कहीं कोई आ न जाए राजमार्ग में। बबर्ष परजन्य उपांशु गर्जितो शेषुन मगादवारी निवारे अनपणे। शेषनांग ने हजारों फणों का छाता भगवान पर लगा दिया और उस समय महाराज यमुना के तट पर आ गए। मघोनि वर्षद स्कृतिमान जा गंभीर तो योग जबोर बिफे नीला भयानकावर तो शताकुला नदी मार्गम ददो सिंद्रिव श्रियापते। उस समय यमुना में बाढ़ आ गई, अपने प्रभु को देखकर, पति हैं भगवान यमुना के, यमुना में हर्ष की बाढ़ आ गई। दूसरा भाव है भगवती यमुना उमड़ घुमड़ कर भगवान का चरण छूना चाहती है, कहती गंगा भगवान के चरण से उत्पन्न है, विश्व वंदनीय है, मैं भी चरण छू लूं स्पर्श कर लूं। तो उमड़ करके आ रही, भगवान ने अपना पग लटका दिया, यमुना ने चरण स्पर्श किया,
और पुनः नीचे हो गई, तरवा के नीचे से बहने लगी। बोले यमुना मैया की। अब महाराज गोकुल पहुंच गए। नंद ब्रजम सौरी रूपे तत्रतान गोपान प्रसुप्तान अनुलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयनी निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्गृहान नगात। अब नंद भवन में योग माया के प्रभाव से सब सो रहे हैं, सबके भवन बंद हैं, कपाट बंद हैं, लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा का द्वार खुला है। भगवान को लेकर के प्रवेश कर गए। सुतम यशोदा शयनी निधाय भगवान कृष्ण को मैया यशोदा के पास लिटा दिया और सुता कन्या उठा ली और कारागृह में आए। ये माया है, माया के आते ही बंधन पड़ गए, फाटक बंद हो गए, प्रतिहार जागे। प्रतिहारों ने कन्या के बालक के रोने की ध्वनि सुनी। ततो बालक ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता आचक्षु भोज राजाय यदुग्नः प्रतीक्षते। कंस को बताया महाराज जिसकी प्रतीक्षा आप कर रहे थे वो उत्पन्न हो गया आठवां लाल। कंस जोर से चिल्लाया हमारा काल और सैया से नीचे मुंह के बल गिरा और फिर प्रस्खलन मुक्त मूर्धजा उसके केश अस्तव्यस्त हो गए। हाथ में तलवार लेकर भयभीत सूतिका गृह की ओर दौड़ा। सूती गृह मगात पूर्णम प्रस्खलन मुक्त मूर्धजा आया और कहा देवकी लाओ कहाँ है लाल। देवकी बोली भैया ये तो तुम्हारी भांजी है तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती इसम सेयम तव कल्याण भ्रातरम हंतुमार भसी। ये तो तुम्हारी भांजी है, इस कन्या को छोड़ दीजिए, हम भीख मांग रही। इन दुष्ट कंस में दया का देश नहीं। धक्का मार कर छीन ली कन्या और घुमाया। ताम गृहीत्वा चरणयो जात मात्रा सुसुताम अपोथेत शिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदा। कन्या के चरण पकड़कर घुमाकर शिला पर पटकना चाहा। स्वार्थोन्मूलित सौहृदा कंस के स्वार्थ ने सौहार्द का हनन कर दिया है और विश्व को यह संदेश मिला स्वार्थोन्मूलित सौहृदा। जहां स्वार्थ होता है वो सौहार्द को प्रेम को नष्ट कर देता है। जहां त्याग है वहां प्रेम है। घर में ही देखो, भाइयों में देखो, मित्रों में देखो, जहां त्याग है वहां प्रेम है और जहां स्वार्थ है वहां कलह है। जो स्वार्थ होता है वो प्रेम को खा जाता है। जब परिवार में, घर में, समाज में स्वार्थ हो, जिसके भीतर वो समाज वहां प्रेम नष्ट हो जाता है। स्वार्थोन्मूलित सौहृदा, स्वार्थ उन्मूलित उन्मूलन कर देता, उखाड़ देता स्वार्थोन्मूलित सौहृदा। और जो ही पटकना चाहा सात अधस्तात समुत्पत्त सद्यो देवी अंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णो साधुयाश्च महाभुजा। कंस के हाथों से कन्या छूट गई और आकाश में अष्टभुजा हो गई। अष्टभुजा वैष्णवी देवी हो गई। बोलिए वैष्णवी देवी की। देवी ने कहा किम मया हतया मंदो जाता खलु तमांत कृत। मुझे मारने से क्या तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया। व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल ब्रज मंडल में हो गया है पैदा तेरा काल। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवकी वसुदेव के बंधन खोलकर झूठी क्षमा याचना की और फिर अर्धरात्र में ही अपने मंत्रियों को बुलाकर सभा की और कहा हमारा काल उत्पन्न हो गया। मंत्री बोले महाराज आप क्यों भयभीत हैं? किम इंद्रेण अल्प वीरेण ब्रह्मणा वा तपस्यता रहो जुषा किम हरिणा शंभुना वा बनऊ कसा। ये चाटुकार मंत्री हैं और चाटुकार मंत्रियों ने झूठी शिक्षा दी। मानस में सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तंतीन कर होए बेगी नाश। चाटुकार मंत्री झूठा परामर्श देते हैं। किम इंद्रेण इंद्र आपका क्या कर सकता है? अल्प वीर उसमें बहुत कम पराक्रम है। ब्रह्मणा में तपस्वता ब्रह्मा तो तपस्वी है वो आपका अनिष्ट नहीं कर सकते। रहो जुषा किम हरिणा वो हरि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
शंभुना वा बनवकसा। वो शिव जो है शंकर, वो आपके भय से सन्यासी हो गए। सम्भनावा बनवकसा, आप तो स्वयं सर्वेश्वर हो, ऐसी झूठी प्रशंसा की, चाटुकारिता की है। कंस ने कहा, फिर भी रिपुर महान बद्ध बलो न चाल लेते, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हमारा एक संदेश है, हमारा आदेश है, मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मो सनातना तस्य च ब्रह्म गो विप्राह तपः यज्ञास दक्षिणः। कंस ने कहा, हमारा जो द्रोह है वो विष्णु से है, सनातन धर्म से है। मूलम ही विष्णु देवानाम, देवताओं के मूल में विष्णु है और वो सनातन धर्म का पोषक है। यत्र धर्म सनातन, सनातन धर्म का वो पोषक है। हम सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं, तस्य च ब्रह्म गो विप्रह तपः यज्ञः सदक्षिणः। जो सनातन धर्म के स्तंभ खंभे हैं, जिन पर सनातन धर्म रूपी मंदिर खड़ा हुआ है, तो वो है ब्राह्मण, ब्रह्म, गो गौवें, विप्र वेद पाठी और तपस्वी संत। तस्य च ब्रह्म गो विप्रह तपः यज्ञः सदक्षिणः, दक्षिणा सहित जो यज्ञ होते हैं, ये सब सनातन धर्म के पोषक हैं, देवताओं के पोषक हैं। इसलिए जाओ जाओ, यत्र तदुजागा वह वेदावर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम व्यात संदीपयत वृष्यता। जिन जिन नगरों में अधिक ब्राह्मण हो, गौवे हो, संत हो, उन नगरों में आग लगा दो, नष्ट कर दो। देखिए, जो भी ये इस प्रकार के राक्षस हुए, अराजक हुए, असुर हुए, उन्होंने सनातन धर्म को पहले नष्ट करना चाहा और ब्राह्मण और संतों पर पहला उनका प्रहार हुआ। भगवान भी कहते हैं, भैया हमें आना पड़ता है, जब जब होए धर्म का यहाँ बाढ़े असुर अधम अभिमानी कर ही अनीति जाए नहीं बरनी सीध ही विप्र धेनु सुर और धरनी। तो सनातन धर्म, देखिए हिरण्यकश्यप ने भी कहा यही, ब्राह्मणों को गमों को नष्ट करो। रावण ने भी जय जय देश धेनु तुझ पावो नगर गांव पर आग लगाओ, उसका भी ये संदेश हुआ। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं काना तेई बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। अब कंस भी वही कर रहा और वर्तमान में भी बहुत ऐसा कर रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृत से अनुप्रेरित और अन्य भी, सभी विधर्मी नहीं लेकिन कुछ विधर्मी, वो साम दाम दंड भेद से सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते। सनातन धर्म अनादि है, भगवान के मुख से प्रकट हुआ है और बड़े संकट आए, हिरण्यकश्यप रावण आदि कंस आदि, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। अनेक विधर्मी भी, उन्होंने हजारों मंदिर तोड़े, वेद फूके, लेकिन सनातन धर्म नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप सबकी भक्ति ने सनातन धर्म की रक्षा की है, आपकी भक्ति ने सनातन धर्म की रक्षा की, संतों ने रक्षा की। लेकिन आज सनातन धर्म के प्रति जब उदासीनता होती है तो बहुत शंका होती है, ये उदासीनता सनातन धर्म के लिए संकट बन सकती है। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को उदासीन नहीं होना चाहिए, अपने धर्म के अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ करके उन्हें रुचि लेनी है, बहुत तत्परता से, प्राणपण से, प्राणपण से युद्ध स्तर पर सनातन धर्म के अनुष्ठानों को आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म के ध्वजा को धारण करने के लिए देखिए, माताएं पुरुषों से ज्यादा संख्या में है, तो पुरुषों को यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी अधिक संख्या में, ये श्रद्धा स्वरूपा ये माताएं हैं, भक्ति स्वरूपा है, धर्म की ध्वजा इन्होंने अपने हाथों में धारण की है दुर्गा के रूप में। तो आप भी सब लोग धर्म की ध्वजा को धारण करके सनातन धर्म के गौरव को बढ़ावें। कंस जैसे दुष्ट नष्ट करना चाहते थे,
नष्ट नहीं हुआ, ये नष्ट नहीं होगा, बस आप अपना जो है धर्म ध्वज लहराते रहे। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। आज कंस कहता है मूलम ही विष्णु देवाना में तो धर्मो सनातन तस् जब ब्रह्म गोभी प्रतपाया सदक्षिणा। सनातन धर्म को नष्ट करेंगे, ब्राह्मणों को मारो, संतों को मारो, गौओं को मारो, और ब्रज के नवजात शिशु जो 84 कोष के ब्रजवन में हैं, उनका विनाश करो। अब तो कंस द्वारा प्रेरित पूतना तृणावर्त शकटासुर अघासुर बकासुर प्रलंबासुर व्योमासुर अधिष्ठासुर आदि बालकों का वध करने के लिए और संत ब्राह्मणों का वध करने के लिए क्षेत्र में दैत्य उतर पड़े। और इधर भक्तों गोकुल में प्रभात हुआ, भगवान भास्कर की किरणें गोकुल पर पड़ी तो नंदलाला ने मैया यशोदा के पास लेते लेते किलकारी भरी है। बोलिए नंदलाल भगवान की जय। महाराज सुनील मिश्रा जी ले आइए भगवान। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहुये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने लाला का मुख देखा, आनंद से भर गए, आह्लाद से भर गए नंद बाबा। ब्राह्मणों को बुलाया, लाला का जात कर्म संस्कार करवाया। हमारे श्याम किशोर जी वाजपेयी दोनों लोग आकर भगवान का सिंहासन में पूजन करें, जल से स्नान करावे, तिलक करें, माखन मिश्री का भोग लगावे। हरि ओम सहस्रीर्घा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाद सबो विग्वं सर्वत स्पर्त्वात् प्रतिष्ठ दशांगुलम। भगवान श्याम सुंदर का विधुत जात कर्म संस्कार हुआ। कारयामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा पितृ देवार्चन किया, स्वस्ति वाचन कराया। ओम भद्रं कर्णे भीष्मयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिरे जत्रा स्त्री रंगी पुष्टवाग्वं सस्तनुभिर्विषेमै देवहितं यदायुः। ओम नमोस्कुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शरूरभावे सहस्रनाम्ने पुरुखाय शाश्वते सहस्रगोधरणे नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। और फिर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। धेनु नाम निवतम प्रादाद विप्रेभ्या सबलंकृते निवतम 2,00,000 गमों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को किया। और भी बहुत रत्न आदि दान किए हैं। तिलक करो। व्यासाय व्यास देवाय विष्णु रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणि देवासिष्ठाय नमो नमः। समिति के लोग जो हैं वो सभी लोग भगवान कृष्ण के पूजन में सम्मिलित हों। आनंदगंज भगवान विराजमान हैं, जिनमें श्री सुबोध माहेश्वरी ये बाल भाव को प्राप्त हैं, कहां पर हैं इनकी खोज करो। रविंद्र वाजपेयी, सुनील मिश्र, ललित वाजपेयी जी, श्याम किशोर वाजपेयी, ओम प्रकाश तिवारी, महेश गुप्ता, सुशील शुक्ला जी, अनिरुद्ध दीक्षित, राम गोपाल शर्मा, टीएन शर्मा, राम गुलाम शर्मा, शारदा शुक्ल, सुरेश मिश्र जनक और श्री तिवारी जी हैं, एनके तिवारी और शरद कांत तिवारी, शिव रतन शिव भजन मिश्र, आरबी मिश्र, विनोद अवस्थी, अरुण शुक्ल, अवध बिहारी, अग्नोत्री, राकेश मिश्र, रमाकांत त्रिपाठी आदि सभी लोग, रमाकांत त्रिपाठी परशुराम, तो ये सब लोग जो है आकर के इसमें सम्मिलित हों। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण मोर मुकुट वंशी बारे की जय जय मोर मुकुट वंशी बारे की जय जय
और तिलक करो महाराज जी के भी करो तिलक। गोप्या स्मृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम शबलया ब्रजती विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। उस समय गोपिकाएं सुंदर लिए हुए रत्नों के हार थाल ये मैया के आंगन में प्रवेश होती हैं और गा रही हैं जसुदा के भय है नंदलाल। उत्सव भी मनाइए बधावा भी करिए। जसुदा के भय है नंदलाल बधावा लाई ग्वाली मिया। जसुदा के भय नंदलाल के भय है नंदलाल बधावा लाई ग्वालिया। यशोदा के भय है नंदलाल बधावा लाई ग्वालिया। मोतियन थाल सजाए गोपी मोतियन थाल सजाए गोपी नंद भवन को धाई नंद भवन को धाई। कोई हीरा कोई सोना कोई हीरा के भय है नंदलाल के भय है नंदलाल बधावा लाई ग्वालिया। बिरज में हुए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बिरज में हुए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। सब लोग गाइए करताल बजाइए। लाला जायो है नंद घर लाला जायो सबने पायो है। बिरज में नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। बिरज में आदि ब्रह्मादिक आए शिवन आदि ब्रह्मादिक आए देव मुनि सुर सिद्ध सिधाए देव मुनि सिर सिधाए हरिग्वालन को रूप सब मिले मंगल गायो है। रज में नंद आज ब्रज छाई जैसी खुशी आज ब्रज छाई शारद शेष सके नहीं गाई शारद शेष सके नहीं गाई ब्रह्मानंद समान आज सुख
सबने पायो है बिरज में ब्र चौरासी कोस में भैया चौरासी कोस में भैया सब कहे धनी यशोदा मैया सब कहे धनी यशोदा मैया ऐ सो अद्भुत लाल आजुलो काहु न जायो बिरज में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की हीरा दीने मोती दीने गैया ब्याई हाल की हीरा दीने मोती दीने गैया यशोदा जी के लाल की जय बोलो गोपाली यशोदा जी के लाल की जय बोलो गोपाली नंद घर आनंद भयो जय बोलिए कन्हैया लाल की जय भगवान कृष्ण विराजमान है जो भक्त माताएं बहनें पूजन करना चाहे पूजन करें अच्छा बुरा
आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय तन मन धन ने ओछावर की जय तन मन धन ने ओछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की यशोदा को परम दुलारो माँ यशोदा को परम दुलारो बाबा के नैनन को तारो बाबा के नैनन को तारो बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे महाराज जी जो हैं सिद्धनाथ आश्रम के भगवान की आरती कर रहे हैं बाबा के नैनन को तारो बाबा के नैनन को तारो गोपिन के प्राणन को प्यारो गोपिन के प्राणन को प्यारो माँ यशोदा को परम दुलारो माँ यशोदा को परम दुलारो ताको अब आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय हे बाबा के नैनन को तारो बाबा के नैनन को तारो बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कन्हुआ कहीं कहीं तेरत मैया कहीं कहीं तेरत मैया